कश्मीर पे लेकर डिसीजन हुआ 370 धारा को पूरी तरह, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना आपका, क्या कुछ विचार आप रखते हैं? देखिए अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजी था, तो मुझे अभी पूरी तरह से पता नहीं कि क्या फैसला लिया है सरकार ने। और जम्मू कश्मीर से मैं बहुत करीबी तरीके से जुड़ा रहा हूँ, मैं बहुत ट्रैवल किया जम्मू कश्मीर में और मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना, चूँकि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसको यूनियन टेरेटरी बनाने के बाद, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग हैं वहाँ के वो बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। मैं मिला हूँ लोगों से, बहुत मेरे दोस्त हैं कश्मीर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी फैसला सरकार ने लिया होगा वो वहाँ के लोगों के हित में होगा। बस कुछ कश्मीरों को कुछ मैसेज देना चाहें, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें ये भी लगाई जा रही है कि वहाँ पे कुछ अलग गलत हालात भी आ सकते हैं या ऐसा कुछ? मैं सिर्फ इस बारे में कश्मीरियों से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि आप किसी भी क्या कहूँ मैं, किसी लीडर की बात से सुनकर अपने अपने जो ख्याल हैं, जो आपके भाव हैं, उससे आप विचलित ना हों। आपके मन में जो ख्याल है आप अपने लिए सोचें कि आपके लिए क्या बेहतर है। और मेरा ये मानना है, पर्सनल मानना है, कि सरकार कश्मीर के लिए अच्छा ही सोचेगी और सोचना भी चाहिए अच्छा, क्योंकि कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। तो अभी मैंने, जैसा कि अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कि मैंने अभी पूरी रिसर्च नहीं की है कि क्या किया है, तो मेरे विचार थोड़े से अभी समय सीमित ही होंगे। देखिए, ए आई एम कम्प्लीटली ए पॉलिटिकल एंड माई ओपिनियन आई डोंट नो इवन नो इफ इट मैटर्स और डजंट मैटर, बट मैं ये कहूँगा कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मैं मानता हूँ कि हमें सबको लेके चलना चाहिए, और अगर सबके हित की बात हो रही है तो होनी चाहिए।